गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। चलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एप्स एचआरपी और एचएसआरपी प्रोटोकॉल। दोस्तों ये प्रोटोकॉल एक आईपी सर्विस प्रोटोकॉल है, ओके, जिसके अंदर ये आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, रेडंडेंसी की सर्विस प्रोवाइड करता है। मतलब जिस तरह से अगर कोई एक हार्डवेयर डिवाइस फेल हो जाता है तो उसके बिहाफ से हमने दूसरा कोई हार्डवेयर डिवाइस रखा है जो हमको बैकअप प्रोवाइड करता है, डेटा रेडंडेंसी प्रोवाइड करता है। तो वैसे ही जब आप नेटवर्क की बात करते हैं और नेटवर्क के अंदर कोई राउटर अगर डाउन हो जाता है तो उसके बिहाफ में दूसरे राउटर से हमारी नेटवर्क की अपडेट्स हमको मिलती है, नेटवर्क की अपडेट्स हम सेंड रिसीव कर सकते हैं। तो आज वही प्रोटोकॉल के बारे में बात करते हैं, तो चलो आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक सिनेरियो के द्वारा समझा देता हूँ कि किस तरह से होगा। तो मान लेते हैं कि ये हमारा एक राउटर है, ओके, और ये भी एक राउटर है। दोनों राउटर को हमने कनेक्ट किया है एक स्विच के साथ, ओके, और यहाँ पे एक स्विच है और ये स्विच के साथ मैंने दोनों राउटर को कनेक्ट कर दिया है। ये दोनों इंटरफेस, जैसे कि ये इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1 पे कनेक्टेड है और ये फास्ट इथरनेट 2 पे है। अब यहाँ पे हमारे दूसरे भी क्लाइंट कनेक्टेड है, जैसे कि बहुत सारे कंप्यूटर यहाँ पे कनेक्टेड हैं, ओके, और यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी हमारे यहाँ पे कंप्यूटर है सभी को मैंने आईपी दिया है, जैसे कि 192.168.0. मैं यहाँ पे 3 देता हूँ। मैं यहाँ पे ये कंप्यूटर को आईपी देता हूँ 192.168.0.4 देता हूँ। यहाँ पे ये इंटरफेस गीगाबाइट 0/0 है तो वहाँ पे मैं आईपी देता हूँ 192.168.0.2 देता हूँ। और यहाँ पे ये गीगाबाइट 0/0 है तो मैं यहाँ पे आईपी देता हूँ 192.168.0.3। अब होता क्या है कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे जितना भी ट्रैफिक है, नेटवर्क ट्रैफिक ये राउटर से जा रहा है, मतलब ये राउटर का ट्रैफिक ये राउटर से जा रहा है, ओके, और ये राउटर, ये कंप्यूटर का ट्रैफिक भी ये राउटर से जा रहा है, मतलब ये जो राउटर जो होता है ये इंटरफेस हमारा बिकम अ गेटवे, वो हमारा एक गेटवे बनता है हमारे नेटवर्क के लिए। अभी क्या होता है कि अभी सपोज कि अगर ये राउटर डाउन हो गया तो मान सपोज कि ये राउटर डाउन हो गया तो आगे से जो अपडेट्स आती है आईएसपी से तो वो अपडेट्स हमारे ये गेटवे के थ्रू हमारे नेटवर्क में आती है। अगर ये राउटर डाउन होता है तो एंटायर नेटवर्क हमारा क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, ओके, क्योंकि यहाँ पे गेटवे डाउन हो गया। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं एक रेडंडेंसी प्रोटोकॉल हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, जो हमको क्या प्रोवाइड करेगा, अगर इफ़ कोई एक राउटर डाउन हो जाता है, कोई राउटर फेल हो जाता है तो उसके बिहाफ में दूसरे राउटर से हमारे गेटवे को हम एक्टिव कर सकते हैं, हमारे जितने भी नेटवर्क है वो सभी नेटवर्क को हम हैंडल कर सकते हैं, ओके, दूसरे गेटवे के द्वारा या दूसरे एक राउटर के द्वारा, ओके। यहाँ पे जो आप राउटर कॉन्फ़िगर करोगे वो एक वर्चुअल राउटर होगा, मतलब आप इस तरह से इसको नॉट अ फिजिकल, एक वर्चुअल राउटर होगा जिसको मैं वर्चुअल राउटर भी बोल सकता हूँ। और इसके अंदर भी एक आईपी एड्रेस हम कॉन्फ़िगर करेंगे, ओके, तो यहाँ पे मैं आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करूँगा 192.168.0.1 कॉन्फ़िगर करूँगा। अभी ये क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं एफएचआरपी सर्विस, मतलब एक फर्स्ट होप रेडंडेंसी प्रोटोकॉल अगर मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर करूँगा, जिसके अंदर हमें सर सिलेक्ट करूँगा हॉट स्टैंड बाय रेडंडेंसी प्रोटोकॉल मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर करूँगा, तो ये क्या करेगा कि अगर कोई एक लिंक डाउन हो जाती है तो यहाँ पे आपका पूरा गेटवे डाउन होता था पहले, तो वो अभी क्या होगा, अभी ये सिचुएशन में क्या होगा कि पूरा ट्रैफिक जो है वो पूरा ट्रैफिक दूसरे गेटवे से, मतलब 192.168.0.1 से ये पूरे ट्रैफिक को हैंडल किया जाएगा, ओके, मतलब आपका जो एंटायर नेटवर्क पहले जो फेल होता था वो नहीं होगा, उसके अंदर जो अपडेट्स जो नेटवर्क से आती थी वो अपडेट यहाँ पे हम सेंड रिसीव कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक वर्चुअल राउटर कॉन्फ़िगर करने का, सबसे पहले हमको ये एफएसआरपी प्रोटोकॉल के बारे में देखना है। एफएसआरपी प्रोटोकॉल एक प्रोटोकॉल सूट है, ओके, जिसके अंदर आईपी सर्विस प्रोटोकॉल्स होते हैं। और ये आईपी सर्विस प्रोटोकॉल कौन से हैं, तो जैसे कि मैं यहाँ पे बात करता हूँ एचएसआरपी, तो ये एक
हॉट स्टैंड बाय रेडंडेंसी प्रोटोकॉल है, ओके, जिसको हम राउटर के अंदर कॉन्फ़िगर करते हैं। मैं ये R1 राउटर के अंदर भी इसको कॉन्फ़िगर करूँगा और R2 राउटर में भी कॉन्फ़िगर करूँगा, ताकि अगर एक लिंक डाउन होती है तो दूसरे लिंक से आपके नेटवर्क को हैंडल, आपकी पूरा एंटायर ट्राफिक को हैंडल किया जाएगा। ओके, तो उसके लिए आप यहाँ पे एक वर्चुअल राउटर, जिसको मैं बोलता हूँ एक वर्चुअल राउटर, जिसको अंदर एक IP कॉन्फ़िगर करेंगे और ये IP के द्वारा पूरे ट्राफिक को हम हैंडल कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों प्रैक्टिकल की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे मैं चला जाता हूँ हमारे पैकेट ट्रेसर पे। ओके, तो थोड़ा थ्योरी पहले देख लेते हैं, थ्योरी क्या है। तो यहाँ पे हम FHRP प्रोटोकॉल की जब बात करते हैं, तो दिस इज अ प्रोटोकॉल सूट, दिस इज अ IP सर्विस प्रोटोकॉल। तो इसके अंदर सबसे पहले प्रोटोकॉल की बात करते हैं, होस्ट स्टैंड बाय राउटर प्रोटोकॉल। ओके, तो ये जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो ये प्रोटोकॉल जिसके अंदर इसके फीचर्स की बात करें, तो ये प्रोटोकॉल एक हॉट स्टैंड बाय राउटर प्रोटोकॉल होता है। ओके, ये प्रोटोकॉल 100% आपको अप टाइम नेटवर्क प्रोवाइड करता है, मतलब इसके अंदर आपको नेटवर्क रेडंडेंसी सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। मतलब अगर कोई नेटवर्क, कोई एक लिंक डाउन होती है, तो दूसरे राउटर से या दूसरे गेटवे से आपको पूरे एंटायर नेटवर्क को हैंडल किया जाता है। प्रोवाइडर नेटवर्क रेडंडेंसी, यस यही बात सही है कि यहाँ पर ये आपको नेटवर्क रेडंडेंसी प्रोवाइड करता है IP सर्विस के अंदर, IP नेटवर्क सर्विस के अंदर। यहाँ पे आप एक से ज़्यादा यहाँ पे गेटवे यूज़ कर सकते हो, एंड नाउ वी कैन प्रोवाइड अ लोड बैलेंसिंग सर्विस, जिसके अंदर हम प्रोटोकॉल देखेंगे, लोड बैलेंसिंग प्रोटोकॉल्स। नाउ यहाँ पे मिनिमम 2 राउटर तो ऐसे चाहिए जिसके द्वारा एक आप एक वर्चुअल राउटर को बना सकते हो और अपने नेटवर्क को फेल ओवर से बचा सकते हो। राउटर एक्सचेंज स्टेटस मैसेज बिटवीन द ईच अदर बैलेंसिंग द ट्रैफिक, मतलब यहाँ पे जितने भी राउटर्स हम कॉन्फ़िगर करेंगे, एक से ज़्यादा राउटर हम कॉन्फ़िगर करेंगे, तो आप मल्टीपल राउटर कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो यहाँ पे एवरी थ्री सेकंड वो हेलो पैकेट सेंड करता है बिकॉज ऑफ द लिंक चेक। अगर 10 सेकंड तक अगर उसका रिप्लाई नहीं आता है, तो वो उसको फेलर समझेगा, मतलब वो राउटर फेल हो गया है नेटवर्क से। ओके, तो एट द टाइम वहाँ पे स्टैंड बाय राउटर एंड यहाँ पे हमारा जो एक्टिव राउटर है वो काम ले लेगा। तो आगे बात करते हैं। तो इसको बनाया था सिस्को ने बनाया था 1994 के अंदर इसको बनाया था। और ये जो पैकेट, जो मतलब ये एवरी थ्री सेकेंड के अंदर पैकेट को सेंड करता है राउटर की लिंक चेक करने के लिए, और 10 सेकंड के बाद अगर कोई राउटर डाउन हो जाता है, कोई पैकेट का रिप्लाई नहीं मिलता है 10 सेकंड के बाद, तो उसको फेल कर देता है, वो राउटर फेल हो गया, वो नेटवर्क फेल हो गया है। तो मैक्सिमम अगर देखें तो HSRP के अंदर बाय डिफॉल्ट 100 प्रायोरिटी होती है, मतलब प्रायोरिटी मीन्स व्हाट, तो फर्स्ट राउटर की प्रायोरिटी। ओके, तो आप यहाँ पे प्रायोरिटी जो है वो मैक्सिमम 255 तक कॉन्फ़िगर कर सकते हो। जो भी राउटर की प्रायोरिटी अगर आपने हाईएस्ट दिया है, जैसे कि अभी मेरे पास 2 राउटर है और एक राउटर की मैंने प्रायोरिटी यहाँ पे मैंने सेट किया है 1, और एक दूसरी राउटर है उसकी प्रायोरिटी मैंने सेट किया है सपोज के 110, तो बट ऑब्वियसली ये राउटर जो होता है वो फर्स्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी है, तो ये राउटर मेरा एक्टिव राउटर हो जाएगा। यहाँ पे ये जो राउटर जो है वो अपने एंटायर नेटवर्क के जो सिस के साथ जितने भी हमारे जो भी कंप्यूटर कनेक्टेड है, ये पूरा नेटवर्क है, उसके अंदर अपडेट को सेंड करने के लिए ये 224.0.0 एक IP यूज़ करेगा। ओके, जिसके द्वारा ये IP मतलब 224.0.0.2 के द्वारा ये क्या करेगा, अपडेट को सेंड करेगा। आप यहाँ पे मैक्सिमम 255 तक प्रायोरिटी सेट कर सकते हो, उससे ज़्यादा प्रायोरिटी आप सेट नहीं कर सकते। ओके, एंड राउटर हैज अ हायर प्रायोरिटी, जो राउटर की प्रायोरिटी हाईएस्ट होगी तो वो क्या बनेगा, एक्टिव राउटर। यस, जब कोई एक्टिव राउटर फेल हो जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये राउटर मेरा सपोज कि एक्टिव राउटर है जिसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है, तो अगर ये राउटर अगर डाउन हो जाता है, तो वो कैटेगरी के अंदर ये दूसरा जो राउटर है जो अभी स्टैंड बाय मोड पे था, तो ये क्या बन जाएगा, एक्टिव बन जाएगा। राइट, तो यहाँ पे HSRP के अलग अलग स्टेज है, जैसे कि एक इनिशियल स्टेज होता है जहाँ पे HSRP कोई HSRP नो नॉट कॉन्फ़िगर, यहाँ पे HSRP हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया, उस टाइम पे वो इनिशियल स्टेज पे होता है। ओके, लर्न की बात करें, लर्निंग की बात करें, तो लर्न प्रोसेस मतलब क्या, जहाँ पे नो इन्फॉर्मेशन फॉर द वर्चुअल, मतलब उसके पास कोई वर्चुअल IP नहीं होता है और वो वेट करता है उस टाइम पे कि भाई एक्टिव राउटर उसको कोई रिस्पॉन्स करे। लिसनिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे लिसनिंग स्टेज मीन्स इट मीन्स यहाँ पे क्या करता है कि राउटर जानता है IP और MAC एड्रेस, मतलब जो राउटर एक्टिव राउटर है तो उसका IP और MAC एड्रेस वो जानता है, बट अभी वो एक्टिव स्टेट पे नहीं, अभी वो एक्टिव स्टेट पे नहीं, वो एक्टिव या फिर स्टैंड बाय मोड पे अभी नहीं है। ओके, उस टाइम पे वो लिसनिंग स्टेज पे काम करता है। एंड स्पीक,
तो जब वो राउटर एक्टिव राउटर या स्टैंडबाय राउटर बन जाते हैं तो वो क्या करेंगे, अपने राउटर आईडी या जो भी अपना जो पैकेट से हेलो पैकेट है वो अपने नेटवर्क के अंदर जितने भी राउटर्स आपने कॉन्फ़िगर किए हैं सभी को ये अपने हेलो पैकेट सेंड करेंगे, जिसको बोलते हैं स्पीक। ओके, तो स्पीक का मतलब होता है वो हर एक राउटर के साथ लिंक चेक करेंगे। ओके, तो इस तरह से कन्फिगर कैसे करेंगे, तो मैंने यहाँ पे R1 एंड R2 राउटर लिया है, तो उसको हम किस तरह से कन्फिगर करेंगे तो ये आपको मैं प्रैक्टिकली सिखाऊंगा। उसके बाद बात करेंगे वर्चुअल रेडंडेंसी राउटर प्रोटोकॉल। तो एक वर्चुअल राउटर प्रोटोकॉल होता है, ये भी एक रेडंडेंसी सर्विस प्रोवाइड करता है। इसको डेवलप किया था IETF, मतलब एक इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स ने उसको डेवलप किया था 1999 के अंदर। वेरी गुड। नाउ ये भी एक मल्टी वेंडर है। मल्टी वेंडर का मतलब क्या होता है कि आपके एनवायरमेंट के अंदर अगर सिस्को का राउटर है एंड सपोज के यहाँ पे कोई जूनिपर के राउटर भी है तो उसको भी ये सपोर्ट करता है। मतलब देर आर द डिफरेंट डिफरेंट वेंडर कैन बी सपोर्ट बाय द VRRFP। ओके, तो ये प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है अलग अलग वेंडर। ये बहुत फास्टर होते हैं बिकॉज ऑफ इसका जो हेलो का जो टाइमिंग है हेलो पैकेट सेंड करने का वो 1 सेकेंड है। ओके, तो चलो दोस्तों आगे प्रैक्टिकल देखते हैं कैसे किस तरह से हम HSRP प्रोटोकॉल कन्फिगर करेंगे। तो चलो प्रैक्टिकल करते हैं। तो सबसे पहले हम पैकेट सर पे चले जाते हैं और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ राउटर, एक राउटर दो राउटर ले लेता हूँ और उसके साथ मैं कन्फिगर करता हूँ एक स्विच और उसके साथ हम लेते हैं 2 या 3 या 4 कंप्यूटर। ओके, और यहाँ पे मैं सबको इसके साथ कनेक्ट कर लेता हूँ ताकि ये हमारा एक छोटा सा नेटवर्क है। ये राउटर को भी मैं कन्फिगर कर लेता हूँ, ये राउटर को मैं स्विच के साथ कन्फिगर कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक राउटर ऐसा यहाँ पे एक वर्चुअल राउटर जो मैं कन्फिगर करूँगा मैं यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देता हूँ, जो यहाँ पे हमारे साथ एक लॉजिकल नेटवर्क है, मतलब एक नेटवर्क हमारे नेटवर्क के साथ वो लॉजिकली कनेक्टेड है जो मैं क्रिएट करूँगा। ओके, अब सबको मैं IP देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं IP देने वाला हूँ 192.168.0.2। यहाँ पे ये इंटरफेस में कौन सा, ये राउटर को मैं कौन सा IP देने वाला हूँ 192.168.0.3। यहाँ पे कंप्यूटर को मैं कौन सा IP दूंगा तो 192.168.0.4। ओके, इस तरह से यहाँ पे मैं कौन सा IP देता हूँ 192.168.0.5। यहाँ पे मैं कौन सा IP देने वाला हूँ 192.168.0.6। ओके, तो इस तरह से मल्टीपल कंप्यूटर आपने यहाँ पे कनेक्ट किए हैं तो सभी को मैं यहाँ पे IP दे देता हूँ। अब यहाँ पे जो वर्चुअल राउटर मैं बनाऊंगा उसका इसका मैंने IP यहाँ पे सेट किया है 192.168.0.1। ओके, अभी आप यहाँ पे देखो तो किसी के साथ पिंग नहीं आएगी बिकॉज ऑफ मैंने कोई राउटर को कॉन्फ़िगर किया नहीं है। जैसे कि मैं वर्चुअल राउटर को पिंग करता हूँ 192.168.0.1 नहीं आ रहा है। ओके, तो चलो दोस्तों करते हैं कॉन्फ़िगर। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे IP देना है कंप्यूटर को। फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्यूटर को IP देने का होगा, तो 0.0.0 यहाँ पे मैं देता हूँ 2 और यहाँ पे हमारा गेटवे होगा 192.168.0.1। ओके, ये मेरा गेटवे है। इस तरह से यहाँ पे ये कंप्यूटर को मैं IP देने वाला हूँ 192.168.0.5। ओके, और यहाँ पे हम IP देने वाले हैं 0.1, ये हमारा गेटवे है। ओके, यहाँ पे हम IP देते हैं 4। ओके, तो इस तरह से आपने कंप्यूटर को IP दे दिया। अभी फाइनली मुझे यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है वर्चुअल, मतलब स्टैंड बाय राउटर प्रोटोकॉल, मुझे यहाँ पे स्टैंड बाय HSRP प्रोटोकॉल मुझे कन्फिगर करना है। तो चलो कन्फिगर कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं राउटर पे चला जाता हूँ और ये राउटर का ये जो इंटरफेस है GB0/0 उसको मैं कन्फिगर करता हूँ। तो मैं यहाँ पे इनेबल मोड से प्रिविलेज मोड पे गया और यहाँ पे इंटरफेस फास्ट इथरनेट। ओके, और ये फास्ट इथरनेट पे मैं जाता हूँ, सॉरी GB0/0 इंटरफेस पे जाते हैं और यहाँ पे मैं IP प्रोवाइड कर देता हूँ, IP एड्रेस 192.168.0.2 और यहाँ पे हम इसका गेटवे और सबनेट मास्क देते हैं और नो शट डाउन करके मैं पोर्ट को ऑफ कर लेता हूँ। ओके, वेरी गुड। इस तरह से मैं दूसरे राउटर पे चला जाता हूँ, तो यहाँ पे मुझे कौन सा IP देना है तो मैं यहाँ पे IP देने वाला हूँ 0/0। ओके, और यहाँ पे IP देने वाले हैं तो IP एड्रेस 192.168.0.0.3 मैं यहाँ पे देता हूँ 255.255.255.0, नो शट डाउन करके पोर्ट को ऑफ कर लेते हैं।
अब आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ से पिंग करता हूँ अपने गेटवे को, तो वो गेटवे है 192.168.0.3, फिलहाल तो अभी वो मेरा गेटवे है। ओके, तो यहाँ से पिंग आ रहा है बिकॉज ऑफ डायरेक्टली कनेक्शन। ओके, अभी यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे प्रोटोकॉल कन्फिगर करता हूँ, HSRP हॉट स्टैंड बाय रेडंडेंसी प्रोटोकॉल मैं यहाँ पे कन्फिगर करूँगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको इंटरफेस gigabyte/0 पे जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इंटरफेस gigabyte/0 पे जाता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं इसको स्टैंड बाय, मैं यहाँ पे एक ग्रुप ऐड करता हूँ, ग्रुप के अंदर उसको ऐड करता हूँ। कौन सा आईपी हम यहाँ पे ग्रुप में ऐड करेंगे, तो आईपी मैं यहाँ पे लिखूँगा 192.168.0.1। ओके, ये ग्रुप का एक आईपी होगा, इट्स अ लॉजिकल आईपी, इट्स अ वर्चुअल आईपी। ओके, और मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ एंटर। इसके बाद आप यहाँ पे स्टैंड बाय प्रोटोकॉल्स, मतलब स्टैंड बाय राउटर प्रोटोकॉल कौन सा कंपनी है, तो आप यहाँ पे आईपी देते हैं, कौन सा आईपी है, तो 192.168.0.1। ओके, इसके बाद आप यहाँ पे उसकी प्रायोरिटी सेट करते हैं, तो मैं यहाँ पे इसकी प्रायोरिटी सेट करता हूँ, प्रायोरिटी जैसे कि मैं यहाँ पे 110 देता हूँ। ओके, और एंटर। इसके बाद यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको कॉन्फिगर करता हूँ, इसका प्रिंट मैसेज यहाँ पे एक्टिव, मतलब इसको कॉन्फिगर करना चाहता हूँ। प्रिंट मैसेज क्या होता है, तो वो एक्टिव एंड स्टैंड बाय राउटर के बीच में वो मैसेज को सेंड करते हैं। ओके, तो यहाँ पे वो कॉन्फिगर करना चाहते हैं, तो जैसे कि मैं यहाँ पे प्रिंट सर्विस में यहाँ पे कॉन्फिगर करना चाहता हूँ, जिसके द्वारा एक्टिव एंड आपका जो स्टैंड बाय राउटर है इसको हम कंसिडर करें। ओके, ये कंसिडर करेगा। तो इतना कॉन्फिगर आपने यहाँ पे कर दिया, तो सेम टू सेम आपको यही कॉन्फिगरेशन आपको ये राउटर के अंदर आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं ये इंटर राउटर पे जाता हूँ, और यहाँ पे इंटरफेस gigabyte/0 पे चले जाते हैं, और यहाँ पे ये राउटर को मैं स्टैंड बाय, और यहाँ पे ग्रुप मैंने ऐड किया था 10, और मैं यहाँ पे उसका आईपी सेट करता हूँ, जैसे कि 192.168.0.1। तो ये आईपी को मैंने यहाँ पे दे दिया। ओके, और ये राउटर का जो स्टैंड बाय यहाँ पे इसका प्रायोरिटी है, तो वो प्रायोरिटी हम यहाँ पे सेट करते हैं, जैसे कि 110। तो सपोज कि मैं यहाँ पे इसको 120 करता हूँ। ओके, या मतलब ये एक्टिव राउटर के बाद ये राउटर एक्टिव हो जाएगा। ओके, अभी तो फिलहाल तो स्टैंड बाय पर रहेगा। इसके बाद आप यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये राउटर जो है वो हेलो पैकेज सेंड हो गया, देखो अभी स्पीक मैसेज हो गया। ओके, अभी ये स्टैंड बाय पर राउटर है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो उसका प्रायोरिटी वैल्यू यहाँ पे आपने 120 दिया है। ओके, अभी ये सेम टू सेम थिंग्स आपने यहाँ पे कॉन्फिगर कर दिया। मैंने यहाँ पे स्टैंड बाय आईपी भी दे दिया, कौन सा आईपी, कौन से राउटर का आईपी, मैंने स्टैंड बाय। इसके बाद मैं प्रीमिट सर्विस में यहाँ पे कॉन्फिगर करता हूँ, ताकि एक्टिव एंड स्टैंड बाय राउटर की इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करे ये राउटर। ओके, अभी यहाँ पे जब मैं अपने गेटवे से पिंग करता हूँ, अपना गेटवे जैसे कि 192.168.0.2 से पिंग करेंगे तो पिंग आ रहा है, बट मैंने वर्चुअल राउटर कॉन्फिगर किया है, क्या उससे पिंग आ रहा है? ओके, तो अगर मैं 10.0.1 से पिंग करूंगा तो रिप्लाई आ रहा है, इसका मतलब होता है मेरा राउटर यहाँ पे काम करता है। अभी मान लो मैंने यहाँ से कोई एक लिंक को डाउन कर दिया, मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे ये लिंक को डाउन कर दिया, तो क्या रिप्लाई मुझे मिलेगा? क्योंकि मेरा एक गेटवे तो डाउन हो गया, एक राउटर डाउन हो गया है, तो क्या मुझे वर्चुअल राउटर से पिंग होगा? तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारे वर्चुअल राउटर से हमको रिप्लाई मिलता है, मतलब हमारा ये गेटवे एक्टिव हो गया है, यहाँ से सब पैकेट्स आगे पास हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा HSRP प्रोटोकॉल। मैंने यहाँ पे HSRP प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करके आपको बताया कि किस तरह से एक राउटर डाउन होता है, तो दूसरे राउटर से हम एक फुल टॉलरेंस या एक रेडंडेंसी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं नेटवर्क के अंदर। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।